हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज वेज किचन। आज हम बनाएंगे प्याज का सांभर। ओनली प्याज का ही इस्तेमाल होगा इसमें, और कोई वेजिटेबल्स का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये ओनियन सांभर जो है, आप डोसे के साथ, राइस के साथ, बड़े के साथ, बहुत सारे चीज़ों के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए प्याज को मैं राउंड शेप में काटी हूँ। देखिए, मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ। आपके पास अगर छोटा सा प्याज हो तो उसको भी ले सकते हैं, वो तो ज़्यादा ही टेस्टी बनाता है ये सांभर को। तो मैं बचा हुआ दाल ली हूँ कल का। तो ये दाल जो है, मैं हल्दी और नमक डालकर बनाई थी और उसमें कुछ भी ऐड नहीं की थी, तो प्लेन दाल है उसको ले गई हूँ। और उसके लिए मैं, देखिए ये जो प्याज है उसको, देखिए जो अनियन है उसको राउंड शेप में ही काटी हूँ। हरी मिर्ची थोड़ा चीरा लगाकर तिनठो ली हूँ और थोड़ा सा करी लिप्स ली हूँ। और ये टमाटर 2 मीडियम साइज़ का ली हूँ। और इमली 3 जो ली हूँ उसका मैं सीड्स निकाल दी हूँ, उसका बीज को निकाल दी हूँ मैं तो अभी। और उसके लिए नमक जो है 1 टेबलस्पून ली हूँ। अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्यों ना हम दाल में डाले थे नमक। और हल्दी 1/2 टेबलस्पून और डालेंगे। और ये जो मेरा सांभर पाउडर है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेम्परिंग के लिए सरसों 1/2 टेबलस्पून, सौंफ 1/2 टेबलस्पून और सूखी मिर्ची और करी लिप्स का इस्तेमाल करूँगी। तो पहले एक कढ़ाई पर मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और उसमें अभी मेरा जो प्याज जो राउंड शेप में काटे थे उसको मैं डालूँगी, और करी लिप्स को डालूँगी, और प्याज को डालूँगी, हरी मिर्ची को डाल लूँगी। अभी पहले हम पानी में हरी मिर्ची, करी लिप्स और प्याज को डाल लेंगे और फिर और थोड़ा भी पानी ऐड करेंगे हम। ये प्याज में हम जो हल्दी का पाउडर लिए थे उसको ऐड करेंगे। और ये जो हमारा गुड़, में 1 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ, देखिए उसको तोड़ कर ले गई हूँ गुड़ को। और उसमें हल्दी 1/2 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ के जगह। और नमक और थोड़ा डाल रही हूँ, दाल में मेरा दला हुआ है तो इसमें थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। उसके लिए मैं एक ग्राइंडिंग जार पर बड़ा सा जार ली हूँ, देखिए उसमें मैं ये हमारा टमाटर जो दो ली थी उसको डाल दूँगी, इमली 3 जो कोला है इमली का ली हूँ, बीज निकाल कर ली हूँ उसको डाल दी हूँ, और ये दाल को भी डाल दूँगी। और इसको एक हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी हम इसको अभी ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी की मदद से और इसको एक फ़ाइन पेस्ट में तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट जो है तैयार है। तो अब इसको हम लेकर, हम जो कढ़ाई में प्याज डाले थे तो उसमें अभी इसको डाल देंगे हम, और थोड़ा पानी भी एक्स्ट्रा जाएगा इसमें। इसमें ही हम पानी जो है और थोड़ा डाल देंगे अभी, और थोड़ा सा नमक भी अभी फिर से डालूँगी मैं। तो नमक अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक कर अभी थोड़ा स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। जो हमारा सांभर होता है उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स को जो गलाना नहीं गलाते नहीं हैं, तो इसमें प्याज जो है थोड़ा कच्चा रखेंगे हम, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो देखिए, तो इसको हम अभी ढक कर थोड़ा पकाएंगे फिर से। और ज़्यादा ढक कर पकाने से भी वो बाहर निकल आता है, तो फ्लेम को मैं स्लो कर अभी थोड़ी देर रखूँगी, फिर ढक्कन के निकाल कर फिर से पकाऊँगी, फिर से 5-6 मिनट पकाऊँगी, ज़्यादा तो पकाना नहीं है। देखिए मैं ढक्कन निकाल दी हूँ, ये थोड़ा सा पकाऊँगी। और उसमें मैं अभी क्या करूँगी, सांभर पाउडर नहीं डाली थी तो उसको, जो मेरा 2 टेबलस्पून सांभर पाउडर है उसको एक बाउल पर लेकर उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर एक पतला सा मिक्सचर बना लेंगे। और उसको अभी हम हमारा जो सांभर कढ़ाई में बनाए हैं उसमें अभी धीरे धीरे डालकर मिक्स कर लेंगे और थोड़ा उबाल आने तक पकाएंगे फिर से। देखिए इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे और फिर हाई फ्लेम में इसको अभी थोड़ा 2 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमारा प्याज जो है गल जाएगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। प्याज गल गया तो सांभर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्याज थोड़ा कच्चा ही रहे तो सांभर का टेस्ट दुगना हो जाता है।
तो उसको हम अभी थोड़ा सा चलाएंगे और थोड़ा हाई फ्लेम में ही मैं रख कर 2 मिनट तक चलाऊंगी बोलिए। तो इसको याद रखिएगा और ऐसा ही बनाना। देखिए ये कितना अच्छा सा कलर आ गया है, पूरा रेड कलर आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को अप कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसका हमारा जो सांभर का कंसिस्टेंसी है इतना पतला रहता है, अगर सांभर अगर मोटा रख लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी फ्लेम को अप कर टेम्परिंग के लिए जाएंगे। तो एक छोटे से पैन पर मैं तेल गरम कर ली हूँ, उसमें मैं पहले जो थोड़ा हुआ 2 लाल मिर्च ली हूँ उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा लाल मिर्च भुन जाए उसमें मैं सरसों 1/2 टेबल स्पून, सौंफ 1/2 टेबल स्पून फिर से डाल लूँगी और उसको थोड़ा सा चलाएंगे। अभी स्लो फ्लेम में ही हमको जो हमारा जब हम टेम्परिंग करते हैं उसको हम स्लो फ्लेम में करें तो थोड़ा अच्छा होता है। तो हम ये थोड़ा सा भून जाए सरसों और सौंफ तो उसमें हम करी लीव्स को डाल लेंगे। तो हमारा टेम्परिंग जो है ओवर हो गया है, अभी इसको हम सांभर में डाल देंगे। देखिए तो इसको हम अभी हमारे सांभर के ऊपर डाल देंगे और हमारा सांभर जो है रेडी हो गया, खाने के लिए रेडी हो गया है। देखिए तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सांभर पाउडर में जो है हींग का इस्तेमाल हुआ है तो मैं इसलिए हींग एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हींग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो अभी हो गया है तो हम इसको डाल देंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी आप अपने हिसाब से इडली के साथ ये सर्व कर सकते हैं। ये सांभर तो इडली के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आज चावल के साथ बनाई हूँ, ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है, कुछ भी फ्राई अगर दे दें। देखिए हमारा सांभर मैं सर्व कर चुकी हूँ, मैं तो ये चावल के साथ बनाई हूँ। आप इसको इडली के साथ बनाकर खा सकते हैं, डोसे के साथ बनाकर खा सकते हैं, बड़े के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सांभर जो है बहुत ही सबको भाता है, ये ज़रूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको ही पसंद आएगा, ये ज़रूर बनाकर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।